माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिवर्सल स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज एक नया चैप्टर लेके चल रहा हूं मैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10 का, एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 93 मेटल्स, 17 नॉन मेटल्स और 8 मेटलॉइड है। मेटलों के अंदर आप जानते हैं इतने बेस कीमती मेटल्स हैं, जैसा कि निकिल, कोबाल्ट, जिंक, एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, ये काफी कॉस्टली मेटल्स हैं। लेकिन हम कार्बन को ही क्यों लेकर चलते हैं? कार्बन में क्या खासियत है? इसमें एक इतनी खासियत है हमारी लाइफ के लिए, डेली लाइफ के लिए इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, सभी में कार्बन है। हमारी बॉडी के अंदर 18% कार्बन है। इसके अलावा फ्यूल जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है या कोयला है, सब में कार्बन का समावेश है। इसके साथ हम जो मेडिसिन लेते हैं डेली रूटीन में, हमारे जो मेडिसिन आती है हमारे लिए और एनिमल्स के लिए जो मेडिसिन आती हैं, उसमें सबका कार्बन का योगदान है। इसके बाद हम जो क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं, जो पहनते हैं, चाहे वो टेरिकॉट का है, टेरेन या वूलन क्लॉथ है, वो सब कार्बन से बना हुआ है। इन चीज सब चीज को नजर में रखते हुए कार्बन का एक हमारी डेली लाइफ में बहुत ही महत्व है। हम देखते हैं खोज की तरफ, 1630 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बीबी हरनाम। बीबी हरनाम ने बताया कि एयर जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो एयर है, एयर इज नॉट गैस, एयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस, यानी हवा एक गैस नहीं है बल्कि एक कई गैसों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। हमारे क्रस्ट के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर जो कार्बन है वो कितना है? 0.02%। और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन। बीबी हरनाम ने 1630 में कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की और इसको नाम दिया कार्बन डाइऑक्साइड को सिल्वर। कार्बन डाइऑक्साइड को ये नाम दिया गया। इसके बाद 1700 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था जोसेफ प्रीस्टली। जोसेफ प्रीस्टली ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिजॉल्व हो जाती है, यदि इसमें एक शुगर डाला जाए, चीनी डाली जाए, तो इसका टेस्ट एक अलग ही महत्व देता है, यानी बहुत ही टेस्टी एक सॉफ्ट ड्रिंक बन जाती है, एक कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए 1756 में, 1756 के अंदर, इनका नाम था जोसेफ ब्लैक। जोसेफ ब्लैक ने बताया ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन है और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कार्बन होता है 18% कार्बन होता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि 10 मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के बने हुए हैं, यानी मोर देन 10 मिलियंस कंपाउंड कार्बन के बने हुए हैं और वो कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में लगातार इस्तेमाल में आते रहते हैं।
उनका एक बहुत ही महत्व है। तो ये था कार्बन की बात। कार्बन के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन के कितने रूप होते हैं, कार्बन किस किस स्टेज में मिलता है, कार्बन के क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या गुण हैं, उनको हम देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, और इसके अंदर न्यूट्रॉन 6 होते हैं, और इसका एटॉमिक मास यानी इसको बोलते हैं परमाणु भार कितना है, 12 एटॉमिक मास। क्या हो जाता है, कितना है, 12। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के अंदर जो हमारे मेटल्स हैं, उन मेटल्स का उनके परमाणु नंबर के मुताबिक यानी एटॉमिक नंबर के मुताबिक उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। उनके करेक्टरिस्टिक्स, जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स है, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे जो आज की आवर्त सारणी है, यानी मॉडर्न जो आवर्त सारणी है जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर उनको एटॉमिक नंबर को देखते हुए सेट किया गया है। तो देखें, किसी भी मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करने के लिए यानी उसकी अभिक्रिया करने के लिए हम उनको आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हीलियम कितना है, 2। लिथियम कितना है, 3। तो इसमें आप देखें, कोई भी एलिमेंट है उसके सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके ऑर्बिट के इस सेंटर यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, एक सोलर सिस्टम की तरह। यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं। तो पहले वाले ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में कितने हो सकते हैं, 8। किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका एक फॉर्मूला है 2n। यानी इसके अंदर यदि फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की जगह 1 रखें आप, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो पहले ऑर्बिट में 1 का फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में। दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए 2 × 2 का रेज टू पावर 2, यानी n की जगह में 2 रख दिया, 2 × 4 और 4 × 8, दूसरे वाले में 8 हो सकते हैं। इस तरह से इसका हम निकाल सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मेटल के अंदर एक उस मेटल की प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यानी रिसीव करते हैं। तो इस तरह से
मैं लेके चलता हूं सोडियम, सोडियम के अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, यानी 11 इसका प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ये इसका हुआ। इस तरह से क्लोरीन को देखें हम, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो फर्स्ट में इसके कितने होंगे, 2, 8 और 7। इस कंडीशन में देखिए आप कि सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की इतनी हिम्मत नहीं है, यदि इसकी हम अभिक्रिया कराएं यानी रिएक्ट कराएं, रिएक्शन कराएं इसकी, तो सोडियम का, सोडियम की इतनी जो उसके अंदर प्रोटॉन है, टोटल जो प्रोटॉन है उसमें कितने हैं, 11, तो इन 7 को वो झेल नहीं पाएगा। अभी देखें सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इसमें कितने हैं क्लोरीन में, 17। ये सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन को झेल नहीं पाएगा, यानी इतनी एनर्जी नहीं है जो कि इसको ये रिसीव कर सके। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यदि हम दोनों का इंटरेक्शन कराएं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इस तरह से कंफिग्रेशन जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 3, 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल, वो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जिस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा यानी गेन कर लेगा। जैसे कि देखते हैं यहां पर, सोडियम का देखते हैं, कितना था, 11, 2, 8 और 1। इसका हम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन का कितना है, 17, 2, 8 एंड 7। तो क्लोरीन के टोटल 17 है, इसके अंदर इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, 2, 8 और 7 का, और सोडियम का है 2, 8 और 1। इसके अंदर हम इनकी इंटरेक्शन कराते हैं तो लास्ट वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लेंगे। एक होता है ल्यूस का डॉट स्ट्रक्चर, डॉट एक्सेस, किसी भी एक्शन को कराने से पहले हम क्या करते हैं, इस ल्यूस के डॉट स्ट्रक्चर में हम डॉट से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं डॉट से। हम डॉट से दिखा सकते हैं या हम इस तरह से स्टार भी बना सकते हैं। इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ में, और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। इस 7 इलेक्ट्रॉन को देखिए आप सेट करें, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7। तो ये टोटल 7 हो गया। अभी इस कंडीशन में देखें आप, क्लोरीन का कितना था बाहरी ऑर्बिट में, 7। एक मिल गया इसके साथ में सोडियम का, कितने हो गए, 8 हो गए। इसका जो ऑर्बिट था वो तकरीबन एक फुलफिल हो चुका है। इसी तरह से सोडियम के पास में 1 था, लेकिन ये इसके साथ मिल गया, ये सोडियम के साथ मिल गए सारे, तो सोडियम का ही पूरा हो गया। इस कार्बन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, यानी विद्युत संयोजक आवर्त, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं विद्युत संयोजक आवरण। इसके अंदर जो आयन्स हैं, आयन्स का हम क्या करते हैं, आयन्स का हेल बदल होता है, आयन्स का हेल बदल होता है, यानी इसके अंदर देखा था आपने क्लोरीन के जो आयन थे उनके साथ कौन मिल गया, सोडियम के आयन्स मिल गए, जिससे एक आयनिक क्रिया हुई है, यानी एक आयनिक कंपाउंड के अंदर यह आयनिक क्रिया होती है, इसको हम पोलर कंपाउंड भी कहते हैं। इसमें इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है जबकि लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो इस तरह के जो मेटल एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और जिस एलिमेंट के अंदर क्या है, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी विद्युत संयोजक आवरण। एक कंडीशन ऐसी आती है कि 4 वाला कहां चला जाएगा, यानी 1, 2 और 3, 5, 6 और 7 इन्होंने तो अपना बॉन्ड बना लिया। इनका बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत मजबूत बॉन्ड होता है इनका, और इसके अंदर इस तरह से बनाने वाले क्या होते हैं, जैसा कि एग्जांपल देता हूं मैं, KCl Cl2, उसके बाद NaCl, इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। और अभी परेशानी आती है कि जिस एलिमेंट के अंदर, जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना है, 6, एटॉमिक नंबर कितना, 6, इसमें क्या होगा कॉन्फिगरेशन, 2 और 4। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, और दूसरे ऑर्बिट में होंगे 4। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि इनको आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सके या उनको लॉस कर सके। तो इसको देखते हुए एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ शेयरिंग करता है, यानी एक साझेदारी काम करता है, जैसा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी के साथ में साझेदारी करता है।
जैसे ये क्या करेगा, किसी से साझेदारी करेगा, यानी उनसे ऐसा करेगा कि भाई मेरे चार इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने चार इलेक्ट्रॉन मुझे दे, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसे साझेदारी की किससे, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ इस कंडीशन में देखें आप कार्बन के कितने हो गए, आठ हो गए, और हाइड्रोजन के आप देखें इस वाली हाइड्रोजन के ये दो हो गए, इस वाली हाइड्रोजन के दो हो गए, इसके हाइड्रोजन के दो हो गए, इसके हाइड्रोजन के दो, और क्या बना, ये बना CH4। CH4 इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड तीन तरह का होता है। हां मैं चीज बताने भूल गया था, जो बॉन्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनते थे ये काफी मजबूत बॉन्ड है, जैसा बता रहा था मैं, काफी स्ट्रांग बॉन्ड है। इनके अंदर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनका एमपी और बीपी क्या होता है, बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड भी तीन तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हम देखेंगे कार्बन के अलावा और भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन। और एक और हाइड्रोजन का हम एटम लें तो ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनेगा, H2 बनेगा। इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। अभी हम देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के अंदर इसके अंदर, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, आठ, फर्स्ट ऑर्बिट में दो और दूसरे में छह। इसको देखेंगे, ये भी एक बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन है, मैं स्टार मार्क करता हूं, ये दूसरा ऑक्सीजन का हमने एटम ले लिया, अभी देखें आप ये वाला जो एटम है इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, यानी इसने क्या किया, यानी हम देखते हैं अभी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हम ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, ऑक्सीजन का जो परमाणु
नंबर है कितना है, परमाणु संख्या कितनी, आठ बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, आठ। आठ में जो कॉन्फिगरेशन है उसका क्या है, फर्स्ट में दो और दूसरे में छह, यानी दूसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं, छह होते हैं। तो हम ऑक्सीजन पकड़ते हैं, ऑक्सीजन में देखिए आप लास्ट ऑर्बिट को लेंगे हम, दो दो चार और दो छह, एक और ऑक्सीजन ले लिया हमने, तो ये दोनों ऑक्सीजन का ये इसके साथ मिला और ये इसके साथ मिल गया, यानी इस ऑक्सीजन का मिलाकर कितना हो गया, आठ हो गया। और दूसरे ऑक्सीजन का ये मिलाकर दूसरे ऑक्सीजन का दो लेने के बाद इसका कितना हो गया, आठ हो गया। इस तरह से जो बॉन्ड बन रहा है आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि डबल बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन भी अपना खुद का डबल बॉन्ड बनाता है, इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, सात। इसका कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, दो और पांच, यानी लास्ट ऑर्बिट को हम लेके चलेंगे, लास्ट ऑर्बिट में कितना है, पांच। देखें हम नाइट्रोजन के दो एटम पकड़ते हैं, दो, और लास्ट ऑर्बिट को ही हम लेंगे, इसी को लेके चलते हैं। तो देखिए आप इस बारे नाइट्रोजन का इसके साथ मिल गया, यानी अभी क्या हुआ, टोटल राइट वाले का कितना हो गया, आठ हो गया, आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके ऑर्बिट में। इसी तरह से लेफ्ट वाले के लिए कितने हो गए, आठ हो गए। लेकिन इन्होंने क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड को कहते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक साझेदारी की है, आपस में शेयरिंग किया है, हिस्सेदारी की है, यानी उसने उसको दे दिया और इधर वाले ने इसको दे दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके काम दोनों का चल गया। जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, खाने में देखते हैं भाई तेरे घर से क्या बन के आया है, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह से इन बॉन्डों के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एक शेयरिंग होता है। इनका एनपी और बीपी क्या होता है, कम होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एनपी और बीपी क्या होता है, कम होता है। तो ये थे आपके तीन तरह के बॉन्ड। अभी हम देखते हैं एरोट्रॉप्स। एरोट्रॉप्स क्या होते हैं, यानी एक ऐसा गुण है एलिमेंट का, ऐसा गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हो और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक हो, यानी फिजिकल स्टेट में उसमें चेंजिंग हो और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी एक जैसी हो, उन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी, यानी बहुरूपता, यानी एक रूपता है, एक जैसा रूप है उनका, किसमें, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, और बहुरूप होते हैं वो किसमें, फिजिकल स्टेटस के अंदर। तो इसमें हम देखेंगे ये दो तरह के होते हैं, एरोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन,
क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है एमोर्फस, एमोर्फस क्रिस्टलाइन वाले जो मेटल्स हैं, ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं, यानी बहुत ही बिछे बिछे होते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनके एटम्स हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। क्लोज होने के कारण ये क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। एक इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, एक रूप में होते हैं, यानी चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके तो चार चार ही होंगे, छह छह हैं तो छह छह ही होंगे, तीन तीन हैं तो तीन तीन ही होंगे। लेकिन एमोर्फस के अंदर जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेतरतीब होते हैं, यानी उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कहीं पर तीन हैं, कहीं दो हैं, कहीं चार हैं, इस तरह से होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक संदात नहीं होने के कारण ये क्या होते हैं, बहुत ही ढीले होते हैं। जैसे आप देखते हैं कोला, कोला क्या होता है, आप नीचे डालो एकदम टूट जाएगा, लेकिन आप यदि किसी हीरे को नीचे डालें तो टूटेगा नहीं। तो इस तरह से यानी इसके हीरा क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, यानी डायमंड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जो आपस के एटम्स हैं, एक दूसरे से एकदम दबे होते हैं, बहुत ही क्लोज कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो ठोस हो जाता है, काफी टाइट हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। लेकिन बाकी आप देखते हैं कोयले के अंदर जो कि एमोर्फस है, ये क्या होते हैं, बहुत ही लूज होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही लूज होते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम क्रिस्टलाइन का, सबसे पहले देखते हैं डायमंड। डायमंड सेवेंटी टू के अंदर एक साइंटिस्ट हुए लेबोजियर, इन्होंने बताया कि डायमंड भी एक कार्बन का रूप है। डायमंड क्या है, एक कार्बन का अपर रूप है, यानी एक कार्बन का एल्ट्रॉक्स है। डायमंड को हम लेके चल रहे हैं, डायमंड के अंदर जैसा कि कार्बन का एक टेंडेंसी है, ये क्या होता है, इसके अंदर टेट्रावेलेंसी होती है, इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार होते हैं। तो ये डायमंड के अंदर एक ही एमएलए कर रहा हूं, हर एटम दूसरे चार एटम से जुड़ा होता है, यानी ये वाला फिर चार से जुड़ जाएगा, यानी ये एक घनाभ का स्ट्रक्चर होता है, एक क्यूबाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक आपस में क्लोज होने की वजह से ये क्या होता है, एक दूसरे हर इलेक्ट्रॉन्स फिर चार चार से जुड़ा होता है, हर एक इसका फिर ये चार से जुड़ा होगा, हर एक चार से जुड़ा होगा। यानी एक कार्बन आप लेके चले, ये फिर चार से जुड़ा होगा इस तरह से, चार से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये काफी टाइट होता है, स्ट्रांग बन जाता है, एक
स्ट्रांग पैरामिड का शेप बनाता है और यह इस कॉम्पैक्ट होने की वजह से यानी टाइट होने की वजह से इसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, तो यह विद्युत का क्या है, कुचालक है, यानी ये क्या है, एक एज ए इंसुलेटर है, नॉट ए कंडक्टर बट ए बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसका फायदा, इसका क्या यूजेज है, डायमंड का मेरा एक अलग चैप्टर होगा कि डायमंड जो भारत में प्रसिद्ध था कोहिनूर का, वो कहां से आया, कब आया, किस किस के पास गया और अभी कहां पर है, उसका क्या वजन था यानी कितने कैरेट का था, उसका मेरा अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। ये कहां काम आता है, यूजेज, कटिंग ऑफ रॉक्स, यानी चट्टान को काटने के लिए, कटिंग ऑफ लेड, शीशे को काटने के लिए, पॉलिशिंग ऑफ डायमंड, डायमंड को पॉलिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी ज्वेलरी बनती है, इसकी ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और एक प्योर थर्मामीटर के इसमें इस्तेमाल किया जाता है। प्योर थर्मामीटर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जानकारी कैसे दी थी 1772 में लेवोजियर ने। इसके बाद दूसरा क्रिस्टलाइन मेटल होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट मेटल 1795 में एक साइंटिस्ट हुए निकोलस जेकस, उन्होंने इसकी खोज की और बताया ये एक कार्बन का रूप है यानी कार्बन का एक एल्ट्रॉक्स है। इसके अंदर हाँ डायमंड में मैं कहना चाह रहा था, डायमंड एक कार्बन का प्योर रूप है, कार्बन का एक डायमंड प्योर रूप है। यदि इसको डायमंड को गर्म किया जाए 673 केल्विन पर, 673 सेंटीग्रेड पर इसको डायमंड को गर्म किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में उड़ जाता है, इसकी राख भी नहीं बचती है, यानी इसकी कोई राख नहीं होती है। कैसा उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, लेकिन जो इम्प्योर है उनकी राख बचती है, जो इम्प्योर जो चीज है उनकी राख मिलेगी आपको बचेगी, जितनी राख ज्यादा होगी इतना ही इम्प्योर होगा, इतनी ही उसमें असर होगी। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होते हैं, इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स के बंच होते हैं, यानी एक एक कार्बन है उसके साथ में, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीन तीन के बंच बने होते हैं।
यानी ये इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से बंध बनाते हैं। तो मैं ऐसा ना बनाकर बल्कि एक राउंड शेप देता हूं इसकी, इस तरह का रूप होता है। और ये कॉम्पैक्ट ना होकर एक लेयर के रूप में होते हैं, यानी पर्थ के रूप में होते हैं, जैसा कि ये यहां पर हो गया। इसके बाद में फिर यहां देखिए, इसी तरह से इसकी प्लेट्स होती है, एक तरह की यानी लेयर्स होती है। अभी आप इनको मिलाएं आपस में, एक सील में नहीं है इसलिए मिलाने प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये समझिए कि एक सील चल रहा है। इनको हम कहते हैं वेंडर बॉर्ड। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन की क्या टेंडेंसी है, इसमें टेटा वैलेंसी होती है, यानी आउट ऑफ ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, तीन ही इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपका बाकी है, यानी एक सेपरेटेड लेयर्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, जिसकी वजह से ये क्या है, इतना टाइट नहीं है, ये क्या होता है, लूज बॉन्ड बनता है, एक लूज बॉन्ड बनता है, यानी एक डायमंड से बहुत ही सॉफ्ट है, और इस सॉफ्ट होने के कारण यह विद्युत का एक सुचालक है, जिसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, दैट इज ए गुड कंडक्टर। इसका यूज पेंसिल में, पेंसिल का जो सुरमा होता है उसमें किया जाता है, उसके बाद जो बैटरी होती है उसके इलेक्ट्रोड में किया जाता है। बैटरी के इलेक्ट्रोड बने जाते हैं इससे। पेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका, और लुब्रिकेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थे दो आपके क्रिस्टलाइन मेटल। अभी एक और उसके बाद खोज हुआ 1995 में, एक खोज ही जिसको हम बोलते हैं बग, बियम फ्लोरीन, या कि बक मिनिस्टर फ्लोरीन। ये 1995 में एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, जो ह्यूस्टन की यूनिवर्सिटी थी, ह्यूस्टन टेक्स की यूनिवर्सिटी थी, उसके एक प्रोफेसर थे आर ई स्माइल। उन्होंने खोज किया, तो उसे हम देखते हैं।
बकमिंस्टर फ्यूरी, इसको हम C60 भी बोलते हैं। इसकी खोज कब हुई? 1995 के अंदर। और करने वाले थे R.E. Ismail। R.E. Ismail थे जिन्होंने खोज किया, और ये विलियम मार्स राइस यूनिवर्सिटी है हाउस एंड टैक्स के अंदर, उसमें प्रोफेसर थे, इन्होंने इसका खोज किया और बताया। इसका जो संगठन है जो बना हुआ है बकमिंस्टर फ्यूरी, इसमें दो तरह के कार्बन का एडजस्टमेंट होता है, यानी हेक्सागनल और पेंटागनल। यानी हेक्सागनल में 20 और पेंटागनल में 12, टोटल 60 होते हैं। इसका जो शेप है जैसा देख रहे हैं आप, ये एक हेक्सागनल हो गया फर्स्ट कोण, इसके साथ में पेंटागनल, इस तरह से इसका बंच बन रहा है। इसमें टोटल 20 किस्म होते हैं आपके हेक्सागनल और 12 होते हैं पेंटागनल। एक ये बॉल फुटबॉल का शेप दे देता है, इस तरह से एक फुटबॉल का शेप दे देगा। फुटबॉल के शेप में होते हैं और ये भरा होता है, इसमें टोटल कितने होते हैं 60। इसका बहुत ही इस्तेमाल आजकल हो रहा है, इसका यूज है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही आधुनिक युग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी, और भारत में सेमीकंडक्टर बहुत ही आगे चल रहा है, इसका उत्पादन भारत में बहुत हो रहा है। दूसरा, बैटरी का जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी आ रही है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल होता है एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ऑक्सीडेंट के रूप में। उसके बाद मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इसको हम नैनो मेडिसिन कहते हैं। नैनो मेडिसिन कहते हैं। ये थे क्रिस्टलाइन मेटल, तो हम देखेंगे एमोर्फस। एमोर्फस में कौन कौन से आते हैं? एमोर्फस जैसे बताया था मैं, एमोर्फस में होते हैं जिनके जो एटम्स हैं बेतरतीब से होते हैं, यानी कहीं पर दो है, कहीं चार हैं, कहीं छह हैं, यानी इस तरह से, और दो हैं, चार हैं, कहीं तीन हैं, इस तरह से होता है, यानी एक सीक्वेंस में नहीं होते, एक सीक्वेंस में उसका अरेंजमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ही लूज रहते हैं, स्ट्रांग नहीं होते। तो
इसका उदाहरण देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं, चारकोल एमोरफस में, चारकोल कॉइल इसके बाद में लेड ब्लैक, तो आप जानते हैं चारकोल और कॉइल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते ही कोयले का इस्तेमाल किस लिए होता है आप ये जानते हैं, चारकोल का इस्तेमाल किस लिए होता है, बाकी इसका यूजेज है, इसका यूजेज इंक के लिए और फ्यूल में होता ही है, आग जलाने के लिए होता है। इसके बाद में ब्लैक बूट पॉलिश, ब्लैक पॉलिश, ब्लैक पॉलिश में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इससे पेंट भी बनाया जाता है, ब्लैक पेंट बनाते हैं, ब्लैक पेंट बनाते हैं इसे। अभी कोयला देखते हैं हम, कोयला होता है चार तरह का, कॉयल है वो तीन तरह का होता है, चार तरह का होता है। जैसा मैं बता रहा था आपको कि जो कार्बन कम देगा वो अच्छा कोयला होगा, जैसा कि आप देखते हैं बताया था डायमंड के अंदर, डायमंड को जब हम जलाते हैं 673 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सारा हो जाता है, उसमें कोई रात नहीं बचती है। लेकिन कोयले के अंदर ये डिपेंड करता है कि कितना प्योर कोयला है, उतना ही जितना प्योर होगा उसमें रात उतनी कम होगी, उसमें कार्बन जितना कम होगा, जितना इम्प्योर होगा उसमें कार्बन उतना ज्यादा होगा। तो पहला कोयला होता है आपका इंटरेस्ट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। पीट वाला जो कोयला है ये सबसे अशुद्ध कोयला है, क्या ये सबसे अशुद्ध कोयला है, इसमें जो परसेंटेज है कितनी होती है 32-45%, कार्बन कितनी परसेंट होती है 32-45%, उससे थोड़ा बढ़िया, थोड़ा उससे अच्छा होता है लिग्नाइट, उसमें परसेंटेज होती है 40-60%। नेक्स्ट होता है बिटुमिनस, भारत में ये बिटुमिनस कोयला भारत में ज्यादा मिलता है, इसमें परसेंटेज होती है 45-86% का। और एंथ्रासाइट के अंदर ये प्योर माना जा रहा है, इसमें 86-98% होता है। एंथ्रासाइट की उपलब्धि बहुत कम है, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, उसके बाद कार्बन के क्या क्या गुण हैं, उसके गुण होते हैं कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, आइसोमेरिज्म
और पॉलीमरिज्म जो कि आप देख चुके हैं, पॉलीमरिज्म मतलब जो कि देखा था आपने एलोटॉक्स के अंदर, इनको देखेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन देखेंगे और अगला चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।